हनी ट्रैप में फंसकर पाक जासूस को खुफिया जानकारी देने के आरोप में जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। सेना के जवान सोमवीर से पूछताछ और अब उनकी छानबीन से पता चला है कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI महिलाओं के माध्यम से भारतीय की सैन्य संबंधी जानकारी एकत्रित कर रही है। ISI से जुड़े महिला एजेंट भारत के संपूर्ण सामरिक ठिकानों पर तैनात जवानों से फेसबुक के माध्यम से दोस्ती कर अपने जाल में फंसाती है। पिछले दिनों जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन के पास टैंक यूनिट में तैनात सोमवीर के इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ISI महिला एजेंट ने अनिला चोपड़ा के नाम फेसबुक से ID बनाकर रखी थी। उसने अब तकरीबन 4 दर्जन से ज्यादा जवानों को अपने जाल में फंसाकर खुफिया जानकारी एकत्रित की है। जवानों से बातचीत करने वाली महिला कराची की रहने वाली है। अब तक जांच में सामने आया है कि सोमवीर व टैंक के फोटो अनिला चोपड़ा भेजे थे, इसके बदले उसको पैसे मिले की बात सामने आई है। पुलिस और सेना के अधिकारियों का कहना है कि अनिल का चोपड़ा सोमवीर के सहित अन्य जवानों से न्यूड होकर व्हाट्सएप पर कॉल करती थी। सोमवीर के खिलाफ स्पेशल पुलिस स्टेशन जालपुर में सही सुनील गुप्त अधिनियम 1930 में मामला दर्ज कर लिया गया है। सैड न्यूज की रिपोर्ट।